मंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को गंगोलीहाट पिथौरागढ़ पहुंचे। दशाई थल हेलीपैड में भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री हाट कालिका मंदिर पहुंचे। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की और स्थानीय महिलाओं ने परंपरागत परिधानों में कलश लेकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। वहीं सीएम ने नन्हे बाल गोपाल से आशीर्वाद भी लिया और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। उत्तराखंड से स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट। सभी अध्यापकगण, प्राध्यापकगण, सभी उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, सभी हमारे कलाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई देता हूं और सबको शुभकामनाएं देता हूं। और इस पावन अवसर पर मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं कि उनका आशीर्वाद आप सबको हमेशा हमेशा मिलता रहे। यह पर्व हमें सत्य, न्याय, धर्म, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलने का मार्ग दिखाता है, चलने की हमको सीख देता है। भगवान श्री कृष्ण युगों युगों से हमारी आस्था के केंद्र बिंदु रहे हैं और उनका संपूर्ण जीवन मानव सभ्यता के लिए प्रेरणादायी रहा है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन, चरित्र एवं व्यक्तित्व जहां हमें आनंदित करता है, वहीं उनके द्वारा श्रीमद् भागवत गीता में दिए गए उपदेश हमें जीवन में क्या करना है, जीवन में हमें किस मार्ग पर चलना है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, इसका सही मार्ग बताते हैं। भाइयों बहनों, उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं को राष्ट्र सेवा का आधार मानकर ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस देश के निर्माण में हो, यह मंत्र उन्होंने दिया है। आदरणीय मोदी जी एवं हमारी डबल इंजन की सरकार के द्वारा सभी योजनाएं और नीतियां इसी भाव को दर्शाती हैं कि नीतियों में विकास के मामले में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना है, कोई पक्षपात नहीं करना है, एक समान भाव से विकास के कार्यों को आगे बढ़ाना है। और आपने देखा अभी हमारे विधायक जी यहां से बोल रहे थे, इतनी योजनाएं कि मैं समझता हूं कई घंटों अगर बोलते भी रहते तो उनकी योजनाएं पूरी नहीं होती है।